इंडियन सुपर लीग के दूसरे सेमीफाइनल मैच में एटीके मोहन बागान ने हैदराबाद एफसी को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराया। इसी जीत के साथ एटीके मोहन बागान ने आईएसएल के फाइनल में प्रवेश किया। फाइनल में मुकाबला उनका बेंगलुरु एफसी के खिलाफ होगा। फाइनल मैच 18 मार्च को गोवा में खेला जाएगा। रियल साल्ट लेक स्टेडियम में खेले गए इस मैच में दोनों ही टीमें कोई गोल नहीं कर सकी। 90 मिनट तक जदोजहद करने के बाद भी दोनों ही टीमों के द्वारा कोई भी गोल नहीं होने पे मैच को अतिरिक्त समय के लिए बढ़ाया गया। अतिरिक्त समय में भी दोनों टीमें कोई भी गोल नहीं कर सकी। इस मैच में हैदराबाद एफसी को 4 कॉर्नर मिले, वहीं एटीके मोहन बागान को 12 कॉर्नर मिले। हैदराबाद एफसी के खिलाड़ियों ने लगातार 2 पेनल्टी मिस की। हैदराबाद एफसी के खिलाड़ियों ने नंबर 2 व नंबर 3 पेनल्टी को मिस किया। वहीं एटीके मोहन बागान के खिलाड़ियों ने नंबर 4 पेनल्टी मिस किया।